आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एक इंसान अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बार सोचता है कि मुझे भी मिलीनियर बनना है। तो हमने जो पैसा सेविंग किया हुआ है वो 5 या 10 साल के बाद भी हम चेक करेंगे तो सेम टू सेम होता है, उसका ग्रोथ होता नहीं है। जो चीज़ हम खरीदते हैं वो हमारे जेब में पैसा लाती है, उसे हम एसेट कहते हैं। जो चीज़ हम खरीदने से हमारे जेब से पैसा जाता है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। वो क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। उन्होंने सपना देखा है कि हमें मिलीनियर बनना है, वो सपने के साथ हर दिन सुबह वो विजुअलाइजेशन करते हैं, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है। वो थिंकिंग पैटर्न हमेशा उनके साथ होता है। इनर शशि ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने दिया हुआ बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहे। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत खमकर, स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल लाइफ कोच। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एक इंसान अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बार सोचता है कि मुझे भी मिलीनियर बनना है। लेकिन मिलीनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे सीक्रेट है, वो हम आज जानते हैं तो हम भी मिलीनियर बन सकते हैं। हमें बताया जाता है कि ज़िंदगी में सेविंग करो, लेकिन मिलीनियर लोग कभी भी सेविंग करते नहीं। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि वो सेविंग नहीं करते फिर भी वो मिलीनियर बनते कैसे हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमें बताया जाता है सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। और हम सेविंग करने के लिए जाने अनजाने में हम कहीं FD में पैसा रखते या बैंक में रखते। एग्जांपल के तौर पे मैंने जो अर्निंग किया उसमें से खर्चा करने के बाद जो बचता है वो हम सेविंग करते हैं। हमने बैंक में जो पैसा डाला है, शायद हो सकता है बैंक का रेट एवरेज 6% इंटरेस्ट रेट होता है और लास्ट 10-15 साल का हमने इन्फ्लेशन रेट देखा वो भी एवरेज 6% होता है। तो हमने जो पैसा सेविंग किया हुआ है वो 5 या 10 साल के बाद भी हम चेक करेंगे तो सेम टू सेम होता है, उसका ग्रोथ होता नहीं है। इसके लिए हम ये मिलीनियर लोगों को पहले ही पता है कि सेविंग करने से हम कभी भी हमारा पैसे में ग्रोथ नहीं होगा और वृद्धि नहीं होगा तो हम कभी बड़े नहीं बनेंगे। उसके लिए जो मिलीनियर लोग हैं वो कभी सेविंग नहीं कर रहे, जैसे ही जो अर्निंग आता है वो सेविंग पार्ट हटा देते, वो इन्वेस्ट करते, इन्वेस्ट ऐसे जगह पे करते जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। मिलीनियर लोगों को इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सेविंग करने से बड़ा नहीं बनते, तो इन्वेस्ट ऐसे जगह पे करो जो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाए। तो हमें पहला क्या करना है, आज से इन्वेस्ट करना है। सेकंड, मिलीनियर लोग हमेशा एसेट और लायबिलिटी ये दोनों को चेक करते हैं, वो कभी भी एसेट खरीदते हैं लायबिलिटी नहीं। लेकिन हमें एसेट और लायबिलिटी में ऐसे डिफरेंस पता नहीं होता है। एसेट मीन्स क्या, जो चीज़ हम खरीदते हैं वो हमारे जेब में पैसा लाती है उसे हम एसेट कहते हैं। जो चीज़ हम खरीदने से हमारे जेब से पैसा जाता है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने ज़िंदगी में गाड़ी खरीदा, वो हमारे लिए एसेट नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी के लिए पेट्रोल, मेंटेनेंस, वो जो खर्चा होता है वो हमारे जेब से पैसा जाता है। तो हमें हर दम ये सोचना है कि हमें एसेट खरीदना है या लायबिलिटी खरीदना है। बहुत बार हम ज़िंदगी में जब भी हमारे पास पैसा आता है तो कहाँ ना कहाँ तो हम खर्चा करते हैं। जो धन आता है उसे एसेट में लगाना ज़रूरी है। एग्जांपल के तौर पे धीरू भाई अम्बानी जी को जब भी शादी हुआ उनके पास धन आया तो उन्होंने क्या किया, अपने धंधे में वो जैसा पहला फॉर्मूला था इन्वेस्ट किया, यानी धंधे में इन्वेस्ट करने से उनके ज़िंदगी में क्या हुआ, एसेट खरीदा उन्होंने, उसकी वजह से उनके ज़िंदगी में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। और थर्ड, हाँ, जो मिलीनियर लोग हैं वो क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। उन्होंने सपना देखा है कि हमें मिलीनियर बनना है, वो सपने के साथ हर दिन सुबह वो विजुअलाइजेशन करते हैं, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है। वो थिंकिंग पैटर्न हमेशा उनके साथ होता है। सुबह सुबह विजुअलाइजेशन करने से उनके ज़िंदगी में ये सोच आता है कि ये करने के बाद हम मिलीनियर आराम से बन सकते हैं। हर एक स्टेप को वो फॉलो करते हैं। जैसा धीरू भाई अंबानी ने सपना देखा था, जब भी मोबाइल आया था तभी 16 रुपये इनकमिंग और आउट गोइंग था, तभी उन्होंने सपना देखा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं भी ऐसा मोबाइल लाऊंगा जिसको 50 पैसे में वो इनकमिंग और आउट गोइंग होगा। वही सपना उन्होंने हर दिन विजुअलाइजेशन करने के बाद साकार किया। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस का मोबाइल लाया, वो 50 पैसे में इनकमिंग आउट गोइंग दिया, तो वही मोबाइल ने उन्होंने मिलीनियर बने। तो आपको क्या करना है, ये जो सपना आपने देखा उसको विजुअलाइज करना है। ये 3 सीक्रेट आप फॉलो करोगे। पहला सीक्रेट है, आपको क्या करना है, ज़िंदगी में इन्वेस्ट करना है। सेकंड,
आपको जिंदगी में एसेट खरीदना है, और थर्ड आपको जिंदगी में विजुअलाइज करना है जो मिलीनियर बनने के लिए। ये 3 स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आप भी जिंदगी में मिलीनियर बनेंगे। मिलीनियर बनने के लिए मेरी तरफ से आपको विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। We are the winners.